दोस्तों, मैं हूं शेफ विकास। स्वागत है आपका हमारे किचन में। दोस्तों, आज हम हाजिर हो गए एक और नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी भी दोस्तों उत्तराखंड की है ऑब्वियसली। तो दोस्तों, मैं आज बनाऊंगा काफल का शरबत बनाएंगे दोस्तों, वो भी बल्क में बनाएंगे काफ़ी मात्रा में। आप यहाँ पे मेरे पास देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 2-2.5 किलो काफल ले रखी है। काफल मिनिमम 2.5 किलो काफल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये उत्तराखंड का दोस्तों फ्रूट है और जिसका सीज़न अभी है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड के मार्केट में ये अवेलेबल है। और दोस्तों, अब बनाएंगे हम इसका शरबत। तो सबसे पहले हम डालेंगे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मैंने एक पतीला ले रखा, बड़ा पतीला। ये काफल जाएगा दोस्तों, सब जाएगा इसी में। ये देखिए दोस्तों, ये हमने 2.5-3 किलो होगी दोस्तों ये काफल, ये हमने एक पतीले में डाल दिए। तो इसका 3 गुना हम वो करेंगे। अगर मेरे पास 1 किलो काफल है तो हम 2 लीटर उसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों, ये होगी 2.5 किलो, तो मेरे पास हम इसमें मिनिमम इसमें 5-6 लीटर इसमें पानी ऐड करेंगे। और मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.5 किलो मैंने यहाँ पे शुगर का पाउडर बना के रखा है, और ये हमने इसमें डाल दिया। ये मेरे पास कुछ पुदीने की पत्ती है हल्का टेस्ट के लिए, वैसे तो इसका टेस्ट ही अलग होता दोस्तों। तो ये हमने डाल दिया। अब मेरे पास यहाँ पर पानी का एक बाउल है, ये हम पानी का बाउल डालेंगे इसमें। ये हमने एक और डाल दिया, दूसरा भी हम इसी में डालेंगे। तो दोस्तों, मेरे पास ये देखो हैंड ब्लेंडर की सहायता से हम इसको काफल को वो करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो कलर कितना बढ़िया कलर आ रखा है। देखो आप, नेचुरल कलर है इसका। ये देखिए दोस्तों, ये हमने कंप्लीट कर दिया, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम इसको छानेंगे, इसको हम छान देंगे। ये मेरे पास यहाँ पे गढ़वाल की छाननी है, तो इसी से हम इसको छानेंगे दोस्तों। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मैंने छान दिया है, ये आप देखो इसका नेचुरल कलर। अब मैं डाल रहा हूँ इसको इसमें। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, तो अगर आपको काफल का वो देखना, तो मैंने काफल का वो भी बना रखा, पाना भी बना रखा, तो आप वो रेसिपी भी देख सकते हैं। जितना हमने ये हमारा जो जूस हुआ, उतना हम डालेंगे इसमें पानी, ये आप देख सकते हैं। ये है, ये हो गया दोस्तों। मेरे पास यहाँ पे 1.5 किलो हमने शुगर को पीस के रखा है, और ये हो गया कंप्लीट 7 किलो का हो गया। ये 7 लीटर इसमें शुगर जाएगा 1.5। इसको हम शुगर को इसमें डाल रहे हैं, और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसको हम 2-3 मिनट तक कंटिन्यू चलाएंगे, ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह इसमें घुल जाए, और जो हमारा काफल का शरबत है ये बढ़िया हो जाए। इसको हम कंटिन्यू चलाएंगे 2 मिनट। तो ये देखिए दोस्तों, इसको आप स्टोर कर सकते हैं 3 महीने तक, ये जूस आपका ख़राब नहीं होगा अगर आप इसको फ्रीज में रखोगे। और उत्तराखंड में तो टेम्परेचर है ही कोल्ड, वैसे भी आपका ख़राब नहीं होगा ये। तो दोस्तों, आप ये ज़रूर बनाओ, काफल खाने से बेस्ट है कि आप काफल का शरबत बनाओ। तो अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे एक उसमें, और कुछ मैं इसमें बोतल में भी भरूंगा दोस्तों, स्टोर रखूंगा, तो मैं वो सब दिखाऊंगा आपको। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बन गया काफल का शरबत। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बना दिया है, और ये आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे पास, ये तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये देखो आप, 3 बोतल हमने और बना के रख दी है काफल की, ये शरबत की, ये हम रखेंगे स्टॉक में, ये देखो। तो दोस्तों, आप भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप इसको घर में बना सकते हैं, और इसको आप स्टोर कर सकते हैं 2-3 महीने के लिए। तो ये रेसिपी दोस्तों ज़रूर ट्राई करना। अब हम मिलेंगे आपको एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय उत्तराखंड।